दोस्तों, यदि आपका भी एक टेस्टिकल्स यानी कि अंडकोश बड़ा और दूसरा छोटा है और आपके भी दिमाग में यह सवाल है कि कहीं यह कोई समस्या तो नहीं, कहीं इसकी वजह से मेरे पारिवारिक जीवन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, तो यदि इस तरह का कोई भी सवाल आपके भी दिमाग में है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं न केवल आपको यह बताऊंगा कि छोटा बड़ा होना कोई समस्या है या नहीं है, बल्कि साथ में इसका इलाज भी बताऊंगा। दोस्तों, पिता बनने के लिए या फिर शरीर में ताकत के लिए आपके बॉल्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन बॉल्स में प्रजनन और शरीर के विकास के लिए जरूरी हार्मोन होता है, जो कि आपके शरीर को ताकत और फिर आपको पिता बनने की शक्ति प्रदान करते हैं। इसीलिए इन बॉल्स का होना बहुत जरूरी है। एक हेल्दी पुरुष के शरीर में दो बॉल्स होते हैं। अब सबसे पहला सवाल यह है कि क्या इन दो बॉल्स का साइज समान होता है या फिर कोई छोटा बड़ा हो सकता है, और यदि छोटा बड़ा है तो क्या यह समस्या है। दोस्तों, दोनों बॉल्स के साइज में अंतर हो सकता है, जिसमें से एक थोड़ा बड़ा और भारी जबकि दूसरा उससे थोड़ा छोटा और हल्का हो सकता है। जब तक आपको उसमें कुछ विशेष लक्षण दिखाई ना दे, तब तक इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यदि आपका एक बॉल दूसरे बॉल से बड़ा और लटका हुआ हो और साथ ही उसमें आपको दर्द भी महसूस होता हो, तब फिर यह एक समस्या वाली बात है। ऐसे केसेस में इनका इलाज होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, यदि आपको किसी भी तरह की लाली, सूजन या फिर दर्द नहीं है, तब फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तब फिर इनका छोटा बड़ा होना बड़ा कॉमन है और ऐसा होता है। लेकिन यदि आपको लाली, सूजन या फिर दर्द होता है, तब फिर यह थोड़ी घबराने वाली बात है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जो हमारे बॉल्स हैं उनका शेप गोल नहीं होता है, बल्कि अंडे की तरह होता है। तो यदि आप और साथ ही इसमें किसी भी तरह का कोई उभार नहीं होता है, आपको किसी भी प्रकार की कोई गांठ महसूस नहीं होती है, और साथ ही यह बहुत स्मूथ होता है, छूने में आपको बड़ा ही स्मूथ महसूस होगा, तो अगर आपको इसमें कोई भी तरह का उभार, गांठ, दर्द या सूजन है, तभी आपको घबराने की जरूरत है। अगर आपको सिर्फ छोटा बड़ा है, तब फिर आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दोस्तों, आपके बॉल्स का इलाज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि इनका समय पर इलाज नहीं किया जाए तो यह समस्या आगे चलकर हाइड्रोसील या वेरिकोसील में परिवर्तित हो सकती है, साथ ही इससे बांझपन के खतरे भी बढ़ जाते हैं। दोस्तों, इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए कुछ एक्यूप्रेशर उपाय मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। आप उन उपायों को देखकर जैसा वीडियो में बताया गया है वैसा करके इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। इसके साथ ही मैं आज आपको कुछ घरेलू उपाय भी बताता हूँ, जिससे कि यदि आपका जो बॉल्स है कोई छोटा या बड़ा हो गया है तो उसमें आपको राहत मिलेगी। दोस्तों, यदि आपके बॉल्स का साइज बढ़ गया है या फिर बढ़ रहा है, तो इसके लिए आप क्या करें कि समान मात्रा में जीरा और अजवाइन ले लें और उसको पानी में पीस करके एक लेप सा बना लें, फिर इसको थोड़ा सा गर्म करें, और इसके बाद जब हल्का ठंडा हो जाए तो इसको अपने बॉल्स के पे चारों बगल आपको इसका लेप लगाना है, और लेप लगाने के बाद इसको किसी भी सूती कपड़े से ढककर रख दें। दोस्तों, 7 दिन ऐसा करने पर आपका जो बॉल्स है उसका बढ़ना भी रुक जाएगा और उसमें अगर कोई सूजन होगी तो वो भी कम हो जाएगी। दोस्तों, इसका एक और उपाय है, इसके लिए आपको अदरक को अच्छे तरीके से कूट कर उसका रस निकाल लेना है। अब इस रस की 1 चम्मच में 2 चम्मच शहद मिलाकर सुबह शाम पीने से आपके शरीर में जो वात का असंतुलन है वह सामान्य हो जाता है। कई बार हमारे शरीर में वात का असंतुलन हो जाने की वजह से भी हमारे बॉल्स के साइज बढ़ने लग जाते हैं, तो इसमें आपको जबरदस्त राहत देगा। दोस्तों, इसके अलावा आपको यदि किसी अन्य तरह की समस्या है तो आप बेझिझक कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करें, और चैनल पर यदि नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद।